मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आखिरी में वो मुख्यमंत्री की शपथ वही लेंगी। कब लेंगी? 4-5 दिन बाद ले लेंगे। भजन लाल की सरकार 8-10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। हाँ। क्योंकि 42 के लगभग विधायक तो उनके साथ बैठे ही है, वसुंधरा जी के साथ है। हाँ। उसके बाद में 69 कांग्रेस के हैं, एक लोकदल RLD का हो गया। हाँ। 70 वो हो गए। हाँ। प्लस 15 निर्दलीय है, 14। हाँ। मिला के तो सारा मिलाओगे तो वो बहुत बहुमत से आगे पहुंच जाएंगी। और इनका अगर दल बदल कानून लागू भी नहीं होगा इन पे, तो आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ही CM बनेगी? हाँ, CM। आखिरकार राजस्थान में वही हुआ जिसका डर था। 3 दिसंबर के बाद आए नतीजों के बाद राजस्थान की सियासत में तूफान उठा हुआ है। हम यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। जी हाँ, आपको बता दें, 3 दिसंबर के बाद आए नतीजों में BJP को राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिला। 115 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। इसके बाद CM फेस को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन 24 घंटे बाद यानी 4 दिसंबर को जिस तरह से वसुंधरा के घर पर विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ, वसुंधरा के पक्ष में विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ, इससे कयास यह लगाया जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आलाकमान के एक फैसले ने सबको चौंकाते हुए भजन लाल शर्मा को CM बना दिया और वसुंधरा राजे के हाथ से सत्ता निकल गई। तब से राजस्थान में बगावत का दौर शुरू है। अब खुले तौर पर वसुंधरा के विधायकों ने यह बगावत करना शुरू कर दिया है। मैडम आप नहीं तो कोई नहीं। खबर यह भी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया 124 विधायकों के साथ नई पार्टी बनाने जा रही हैं और BJP की सरकार गिरने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये दावा मैं नहीं बल्कि जाने माने न्यूज चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में BJP की सरकार गिर जाएगी और वसुंधरा राजे विधायकों के समर्थन से नई पार्टी बनाएगी और खुद मुख्यमंत्री बन जाएगी। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। ये मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे। हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन बाद सरकार गिर जाएगी। कारण ये है, 79 विधायक जो है कांग्रेस के हैं, ये एक लोकदल का है और 2 बसपा के हैं, अब 12 निर्दलीय हैं, ये हो जाते हैं 84। 84 के साथ साथ 42 से 50 विधायक इनके हैं, क्या बोलते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के। तो कुल मिलाकर के मुश्किल से मुश्किल ये जब सदन में पटल पर ये बहुमत सिद्ध करने जाएंगे, इनको बहुमत नहीं प्राप्त होगी और ये औधे मुंह गिर जाएंगे, यही होगा। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे सिंधिया आखिरी में वो मुख्यमंत्री की शपथ वही लेंगी। कब लेंगी? 4-5 दिन बाद। जी हाँ, आपने देख ही लिया है कि आखिरकार यह किस तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया गया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भी साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन यहाँ राजस्थान में वसुंधरा को साइडलाइन करना BJP को भारी पड़ सकता है, क्योंकि क्या सच में वसुंधरा राजे सिंधिया कोई बड़ा कदम उठाने वाली है और BJP की सरकार गिरने वाली है। हालांकि जिस तरह से वसुंधरा के पक्ष में CM बनने का माहौल था, वह कहीं ना कहीं उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। हालांकि यह सच्चाई भी है कि यदि इतने विधायकों का समर्थन किसी के पास हो तो वह सत्ता में उलटफेर कर सकता है। यदि वसुंधरा राजे के पास इतने विधायकों का समर्थन होगा तो सच्चाई यह भी है कि वह मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं और नई पार्टी भी बना सकती हैं बिना कांग्रेस के समर्थन से। उन्हें किसी भी पार्टी के समर्थन नहीं चाहिए, फिर भी वह अपनी सरकार बना सकती हैं और खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन